कानूनी जंग न्यूज बिहार प्रदेश पश्चिमी चंपारण से मैं आरोप रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बघा दो में। हरना टाड एक जगह है और यहाँ पे एक डॉक्टर साहब से हम मिलवाते हैं जो खोल रखे हैं गोपाल सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल। और डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर पी कुमार और इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। और डॉक्टर साहब पहले आप अपना परिचय देंगे हमारे चैनल के माध्यम से, पहले तो आपको मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। मेरा नाम डॉक्टर पी कुमार हुआ, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप किस किस डिजीज का इलाज करते हैं? बेसिकली मैं बच्चों का इलाज करता हूँ और चर्म रोग हो गया, शुगर का हो गया। अच्छा अच्छा, जनरल सारे रोगों का इलाज यहाँ पे होता है। और खास तौर पे यहाँ विशेष रूप से मतलब किस डिजीज के पेशेंट आते हैं स्पेशली? यहाँ पे चर्म रोग के आते हैं, बच्चों के से आते हैं। अच्छा अच्छा, आप स्पेशलिस्ट किसके ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं? मैं बच्चों का डॉक्टर हूं। अच्छा अच्छा, विशेषज्ञ हूं। हां, यहां पे आपके अलावा और भी डॉक्टर बैठते हैं क्या? मेरे अलावा और यहां पे कोई और डॉक्टर भी बैठता है, कंपाउंडर हैं जो पढ़ाई किए हुए हैं, फार्मेसी में नर्स हैं जो अपना वो भी अपना पढ़ाई। अच्छा, उन लोगों का अपना प्रैक्टिस चलता है यहाँ पे आपके साथ में, आपके सहयोगी के रूप में अपना देख रेख करते हैं? मेरे देखे गए मरीजों का वो फॉलोअप करते हैं। अच्छा अच्छा, किस तरीके से डॉक्टर साहब इलाज किया उसके अकॉर्डिंग अपने स्तर से अपना देखते रहे? जो प्लान मैं बनाता हूँ उसको फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं, पेशेंट को कब दवा देना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है। अच्छा, आखिर क्या सोच करके आप इतने सुदूर देहात में और एकदम ये साइड में आप अपना क्लिनिक खोले? मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ और यहाँ का लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद काफ़ी है, उनका एहसान है मेरे ऊपर। और ये बहुत गरीब एरिया है तो मैंने सोचा कि यहाँ के मरीज बेतिया जाते थे, गोरखपुर जाते थे, पटना जाते थे, तो मेरे आने से काफ़ी मरीज यहीं पे रुकते हैं और यहाँ पे सस्ता इलाज हो जाता है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ भी आप करना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी को पहले एक इंसान होना चाहिए, फिर सेवा भावना रखना चाहिए, भगवान चाहेंगे तो पैसा अपने आप आ जाए। नहीं, अभी तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये लेकर के चल रहे हैं कि सेवा भावना दूर, जितना पैसा आ जाए जगह जगह से। अब ऑपरेशन करना हुआ तो अब नॉर्मल डिलीवरी ना करवा करके पेट खोल देते हैं, इसमें आप क्या करना चाहेंगे? चूंकि मैं एक सर्जन तो नहीं हूं तो नहीं, फिर भी ऐसा इसको पेशा बना चुके हैं, धंधा बना चुके हैं और इसके आग में अपना बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर चला रहे हैं, इसमें आप क्या करना चाहेंगे? मैं उन डॉक्टरों को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि सेवा भावना रखना चाहिए आदमी को, जब आदमी अपना काम करेगा तो पैसा तो आ ही जाता है। क्योंकि गरीब से गरीब लोग आते हैं और गरीब जाते हैं हॉस्पिटल में कि मेरा वो पेट चीर करके ऑपरेशन करके बचा ना हो, नॉर्मल डिलीवरी करवाया जाए जो नॉर्मल से नॉर्मल खर्च में हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं कि आते ही और ऐसा पेशेंट को डराते हैं कि आपको आपका पेट जब तक हम नहीं खोलेंगे तब तक या तो पेशेंट मर जाएगा या बच्चा मर जाएगा। अब वो गरीब अपना जान बचाने के लिए लगता है कि वाकई में हम मर जाएंगे और वो जान बचाने के लिए अब क्या करते हैं, पेट खुलवा लेते हैं, कर्ज ले करके ये करके। तो इस पेशे में अब डॉक्टर सब इस टाइप के सोच के नहीं होते हैं, अब इसको एकदम धंधा के रूप में देख रहे हैं कि यार जितना पैसा आ सके, है ना। तो इसमें पूरे तरीके से आप क्या करना चाहेंगे? उन डॉक्टरों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए, गरीब आदमी आता है उनको सेवा देना चाहिए ताकि वो नाम ले, उनका इज्जत करे, क्योंकि ये सच्चाई तो कहीं ना कहीं खुल ही जाती है ना। किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब खुद कह रहे जी ये तो नॉर्मल होना चाहिए था, तो वो तो बताएंगे कि नॉर्मल होना चाहिए था लेकिन डॉक्टर साहब ने सीजर कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, तो सच्चाई खुल जाती है, फिर बदनामी होता है, फिर पूरे प्रोफेशन बदनाम होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, गलत चीज़ है। ये हमारे डॉक्टर पी कुमार साहब थे और इनका डिग्री हो गया MBBS, DCH, MIAP, ये कर रखे हैं और बच्चों के डॉक्टर हैं, इनसे हम आपको मिलवाए हैं। नमस्कार, कैमरामैन के साथ मैं आलोक।